हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे GTA 5 में मोड्स को कैसे अनइंस्टॉल करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको मोड्स को अनइंस्टॉल करने के 3 तरीके दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला तरीका। तो हमें GTA 5 की मेन डायरेक्टरी को ओपन करना है। तो दोस्तों, यही तरीका है जो सबसे सिंपल तरीका है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है या फिर GTA 5 को ऑनलाइन खेलना है तब भी इस तरीके का इस्तेमाल करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर input@dll फाइल है, उसे कट कर देना है और कोई भी फोल्डर में पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाकर पेस्ट कर दे रहा हूँ। यही वाली फाइल है जिसे मूव करने से आपकी GTA 5 में कोई भी मोड वर्क नहीं करेगा और आप GTA 5 को ऑनलाइन खेल सकते हैं। बाद में इस फाइल को GTA 5 में डालकर आप मोड्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अब दूसरा तरीका। इस तरीके से आप GTA 5 में से मोड्स को परमानेंट डिलीट कर सकेंगे। तो सबसे पहले मोड्स को सिलेक्ट करिए, स्क्रिप्ट वाले फोल्डर को सिलेक्ट करिए और input@dll वाली फाइल को सिलेक्ट करिए और इन तीनों फाइल को डिलीट कर दीजिए। मैं यहाँ पर डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मोड्स को अनइंस्टॉल नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरा तरीका देखेंगे। इस तरीके में कोई पर्टिकुलर मोड्स को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को खोल लेना है और लिखना है GTA 5 मोड अनइंस्टॉलर और सर्च कर देना है। यहाँ पर पहली वेबसाइट खुलेंगी GTA 5 मोड्स की, उस पर क्लिक कर देना है और इस टूल को डाउनलोड कर देना है। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। अब फाइल को ओपन कर लेंगे। अब इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। इसको ओपन करेंगे और GTA मोड रिमूवल टूल को डबल क्लिक कर इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हमें GTA 5 के पार्ट को सिलेक्ट करना है और ओके दे देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने जितने भी GTA 5 में मोड्स को इंस्टॉल किया है वो दिखा रहा है। इस टूल की मदद से आप कोई भी पर्टिकुलर मोड को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और उसको वाइट लिस्ट में भी रख सकते हैं। और आपको सभी मोड्स को डिलीट करना है। डिलीट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम GTA फोल्डर, इस पर क्लिक करिए। तो दोस्तों, अगर आपको सभी फाइल को डिलीट नहीं करना है और कोई पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करना है तो फोल्डर टू वाइट लिस्ट कर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो इन सभी मोड को हम वाइट लिस्ट पे डाल देंगे। तो आप 100 वाइट लिस्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सभी मोड्स वाइट लिस्ट में आ गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी मोड को वापस GTA 5 में डालने हैं तो मूव ऑल फाइल्स कर दीजिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारे सभी मोड्स GTA 5 में वापस आ गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही गेमिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।